हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद प्रोज। बात करेंगे आज पांच ऐसे खिलाड़ियों के जो भारतीय टीम में कर सकते हैं एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 में प्रदर्शन के बाद ये खिलाड़ी कर सकते हैं वापसी। नंबर पाँच पर उसमें है आयुष बदोनी, जिन्होंने अपने कमाल के प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। अगर बात करें तो ये खिलाड़ी गौतम गंभीर जो कि मेंटर है लखनऊ सुपर जायंट्स के, ये खिलाड़ी उनकी खोज मानी जाएगी। और आयुष बदोनी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया आईपीएल में, जिस तरीके के सिचुएशन में आकर उन्होंने रन बनाए हैं, वो काबिले तारीफ। पहले मैच में चार विकेट गिरने के बाद आकर रन बनाना, दिल्ली के खिलाफ आकर मैच फिनिश करना, तो उनकी पारी जिस तरीके के फिर सिचुएशन में रही है, उस चीज़ से हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए टीम में। और भारतीय टीम फिनिशर को ट्राई भी कर रही है बीते कुछ महीनों में। नंबर चार पर हैं भारतीय टीम के पुराने सदस्य नटराजन। जी दोस्तों, गाबा जीत में अहम भूमिका, ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाने वाले नटराजन। उसके बाद से इनका करियर इंजरी से भरा रहा है, लेकिन इस साल के आईपीएल में इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को जीत दिलाई है कई मैचों में। और इस पर सबसे अच्छी बात यह रही है नटराजन की कि उन्हें सिर्फ डेथ में ही नहीं जबकि नई गेंद से भी विकटें मिली हैं और कमाल की गेंदबाजी रही है उनकी। तो स्विंग और यॉर्कर्स दोनों कर रहे हैं नटराजन, तो हो सकता है इस वर्ल्ड कप के बाद की सीरीज में नटराजन की वापसी हो जाए। नंबर तीन, ये दोस्तों नंबर तीन पर है दिनेश कार्तिक। 2019 में अपना आखिरी मैच खेले दिनेश कार्तिक ने, दास ट्रॉफी का फाइनल सबको याद आता है, वर्ल्ड कप का वो मैच। भले ही वो 50 ओवर्स का मैच था, लेकिन अगर लास्ट मैच की बात करें तो उस टाइम खेला गया था। लेकिन अगर आप बात करें इस आईपीएल में जिस तरीके की बल्लेबाजी की है दिनेश कार्तिक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, लगभग हर मैच में उन्होंने आके उपयोगी पारियाँ खेली हैं और अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो हो सकता है कि दिनेश कार्तिक इस परफॉर्मेंस के बलबूते पर भारतीय टीम में फिर से वापसी करें और कई दिग्गजों का मानना है कि दिनेश कार्तिक टीम में वापसी करने के योग्य हैं और कर सकते हैं। नंबर दो, कुलदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, चाइनामैन कमाल की गेंदबाजी के बाद इस गेंदबाज ने भी भारतीय टीम में वापसी का शानदार दावा ठोका है। तो इस गेंदबाज की वापसी भारतीय टीम में हो सकती है। अपने स्पिन से इन्होंने इस बार काफ़ी बल्लेबाजों को जवाब दिया और कमाल की गेंदबाजी की है पूरे सीजन में। हमेशा इंपॉर्टेंट टाइम पर आकर विकेट निकालने में काफ़ी माहिर रहे हैं इस साल, तो हो सकता है इनका भी वापसी हो टीम में, इंडियन टीम में, क्योंकि जैसा प्रदर्शन इन्होंने किया है वो काबिल तारीफ रहा है। अगला बल्लेबाज तिलक वर्मा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के लिए ये सीज़न तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुंबई के एक बल्लेबाज तिलक वर्मा, इनके लिए ये सीज़न कमाल का रहा। अपना पहला सीजन खेल रहे तिलक वर्मा ने इस साल मुंबई के लिए बहुत सारी उपयोगी पारियां खेली और बड़े बड़े गेंदबाज के सामने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं जिन्होंने कई दर्शकों का मन मोहा है। तो तिलक वर्मा एक बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित हो सके जो भारतीय टीम आए और भारतीय टीम के लिए डेब्यू करें आईपीएल के बाद बहुत ही जल्द। और तिलक वर्मा भी ऐसा चाहते होंगे, उन्होंने जिस तरीके पारियाँ खेली हैं कि उन्हें भी भारतीय टीम से जल्द मौका मिले। तो गाइस, अगर हमने कुछ खिलाड़ियों को मिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इनके अलावा बात करें तो अर्शदीप, वाशिंगटन, सुंदर, इनका भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अर्शदीप की बहुत बात हो रही है, उनकी भी भारतीय टीम में एंट्री हो सकती है। तो गाइस, अगर और भी कोई खिलाड़ी मिस है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।